सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 13 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस किसे दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एसएस देशवाल को। एसएस मतलब हो गया सुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह देशवाल। देखो एक्चुअली में क्या, अभी तक बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल थे ना वो थे विवेक जोरी, लेकिन अभी उन्हें मध्य प्रदेश का डीजीपी बना दिया गया है। तो अब बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का पद खाली हो गया, और जब तक इस पद पर किसी को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता तब तक आईटीबीपी के जो प्रमुख हैं एसएस देशवाल वो इस पद को संभालेंगे, यानी कि उन्हें बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी एस के श्रीवास्तव की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन थे अभी तक, अमूल्य पटनायक, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए तो दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया एडिशनल चार्जेस एस के श्रीवास्तव को। नुपुर कुलश्रेष्ठ, ये तो नया अपॉइंटमेंट है, कल परसों ही पढ़ा था, भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला उप महानिरीक्षक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। बीएसएफ की बात करेंगे, स्थापना 1965 में हुई है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जय बांग्ला। तो अभी बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जय बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दे दिया है, और साथ में कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि स्कूल हो गए, स्कूल में जो असेंबली होती है उसके बाद इस नारे का उच्चारण किया जाना चाहिए, और जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो भी नेता हैं, वो राष्ट्रीय दिवस पे या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट डे आता है, कोई भी ऐसा उपयुक्त अवसर आता है, तो उस समय अपने भाषण के बाद जय बांग्ला का इस्तेमाल जरूर करें। ये जो जय बांग्ला है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए स्वतंत्र संघर्ष युद्ध में बांग्लादेश का मुख्य नारा था, जय बांग्ला। अब बांग्लादेश की बात है तो येरा मैप में बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका है। कई बार देखो एग्जाम में पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा? ढाका होगा। करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और अभी आपको याद है ना आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में, उसको किसने जीता पहली बार? बांग्लादेश ने जीता भारत को हरा करके। अभी एक्यूशे बुक फेयर भी हुआ था आपका बांग्लादेश में। अच्छा, अभी फरवरी में बांग्लादेश के साथ हमने एक एक्सरसाइज, एक युद्धाभ्यास भी किया था, क्या नाम है उस एक्सरसाइज का? संप्रीति 9 मतलब उसका नवा एडिशन था, और कहाँ पे? मेघालय के उमरे में किया था। साथ में याद रखना, ई पासपोर्ट की सुविधा प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च को। तो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष ये मनाया गया 12 मार्च को। याद रखना, जो अपन रिवीजन वाला हमारा वीडियो होता है जिसमें हम 10 डेली इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं, तो वहां पे अभी तक जब भी किडनी डे आता था मैं आपको क्या बताता था, 14 मार्च को हम मनाते हैं, यानी कि 2019 का हम पढ़ते थे जो हमने 14 मार्च को मनाया था, लेकिन अभी हम 2020 का पढ़ रहे हैं और 2020 में हम इसको मना रहे हैं 12 मार्च को। क्यों? क्योंकि ये कोई फिक्स डे को नहीं होता है, ये हम मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, और 2020 में मार्च का दूसरा गुरुवार आया 12 मार्च को। तो ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखना। और इस बार किसकी थीम क्या रही? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए। 1 मार्च को हमने मनाया था शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम क्या थी? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। 1 मार्च को ही हमने विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया था। फिर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया, जिसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। और 3 मार्च को ही विश्व हियरिंग दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया। फिर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। याद रखना, 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह हमने मनाया, और 1 से लेकर 7 मार्च तक ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया। कहाँ पे? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। फिर 8 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे,
और अब 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखें, और आने वाले दिनों में मैं आपसे कभी भी ये सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखवा सकता हूँ, तो आपको ये बिना देखे लिखने हैं। और अगर आप नहीं लिख पा रहे, मतलब आपको याद नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर का सवाल है। और गाइज, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करा करो। कम से कम एक बंदा एक लाइक तो ज़रूर दिया करे, और अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करे, क्योंकि आप लोगों के शेयर से ही मुझे पता लगता है कि कितने लोग हैं जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और आपके लाइक और शेयर करने से ही मेरा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, आप लोग मेरे साथ हो, सपोर्ट में हो, तो मुझे और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आना है। कल एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए जोड़ करके बताना है, तो ये आप ही लोगों पर डिपेंड करेगा सब। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फोन पे ने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। तो अभी फोन पे ने अपने ग्राहकों को UPI लेन देन की सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। एक्चुअली में अभी तक फोन पे यस बैंक के साथ जुड़ा हुआ था, पर अभी आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा यस बैंक पे अस्थायी बैन लगा देने के कारण फोनपे की UPI सर्विस रुक गई थी। तो अब फोनपे ने ICICI बैंक के साथ समझौता कर लिया है। फोनपे की बात करेंगे, इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके CEO हैं समीर निगम। अच्छा, फोनपे से रिलेटेड एक पॉइंट हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि फोनपे ने दुनिया के सबसे बड़े और भारत के पहले ATM नेटवर्क के निर्माण की भी घोषणा की थी। फोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। और फोन पे को याद रखना, इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। बाकी ICICI बैंक के बारे में भी जान लो, हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके MD CEO हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और उसी तरह से ICICI बैंक पहला बैंक बना था जिसने नोट गिनने के लिए रोबोटिक हैंड का इस्तेमाल शुरू किया। और याद रखना, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों ने श्रीलंका में अपना कारोबार बंद कर दिया है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक 2020 यानी कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश टॉप पे कौन सा देश रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का नाम है सोशल जेंडर नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 99.81% लोग एट लीस्ट वन सेक्सिस्ट बायस रखते हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं। फर्स्ट पे पाकिस्तान है, सेकंड पे कतर है, और थर्ड पे है नाइजीरिया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट जारी की है, और याद रखना ये इस रिपोर्ट का पहला संस्करण है। UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अकीम स्टीनर है, ये खुद ब्राजील से हैं। अच्छा, याद रखना अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के लिए जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी पाकिस्तान की बुरी हालत थी, 153 देशों में से 151 नंबर पे था ये। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट आपको बता दूं, अभी लिंग समानता सम्मेलन 2020 यानी कि जेंडर इक्वलिटी समिट का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। आयोजन किया किसने था? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने, जिसकी थीम थी इंडिया इंक्लूजन जनरेशन इक्वलिटी डिकेड ऑफ एक्शन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को शुरू किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल सरकार ने। तो केरल में अभी पूर्ण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, और इस अभियान का नाम है मैं भी डिजिटल हूं। तो इस अभियान का मेन उद्देश्य है राज्य के सभी वर्गों को डिजिटल माध्यम की जानकारी देना, जिससे वो सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा बढ़ते साइबर अपराध से बचाव को लेकर जनता को जागरूक किया जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। अब यहाँ पे बात केरल की है, तो येरा मैप में केरल, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। और याद रखना अभी 22वां फूड शो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कोची में ही। और इस साल मई में जो चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव होगा, उसका आयोजन भी कोची में किया जाएगा। वहीं पे याद रखना सबरीमाला मंदिर, ये कहाँ पर है? केरल में है। और अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची और उसका मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया है। और केरल ने कोरोना वायरस के प्रकोप को राज्य आपदा घोषित किया था, उसी तरह से केरल का मीडिया पुरस्कार जीता है किसने? N राम ने। और भारत की पहली सुपर फैब लैब ये कहाँ पे स्थापित की गई है? केरल में स्थापित की गई है।
और केरल के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया था। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की जब सूची जारी की थी तो उस पर टॉप पे रहा था केरल का मल्लपुरम। वहीं आपको याद होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना था आपका केरल। और वहीं पहली यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी आंसर होगा। और अभी केरल की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। क्या आप मुझे उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बता सकते हो? चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था? देखते हैं किसको पता है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य में फगली महोत्सव मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। तो अभी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगप्पा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया। ये जो महोत्सव है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है और सर्दियों के खत्म होने और वसंत मौसम के शुरू होने को चिन्हित करने के लिए भी इसको मनाया जाता है। अच्छा, महोत्सव उत्सवों की बात चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव मैं आपको बताता हूँ फेस्टिवल। जैसे कि लोसर फेस्टिवल अभी हमने मनाया था, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही। और अभी कोच्चि में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाएगा, अभी मई में मनाया जाएगा। वहीं पे मिजोरम में चापचार उत्सव मनाया गया था और मध्य प्रदेश में हमने देखा था नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया था। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभी 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। तो ये भी कुछ याद रखना। अब यहाँ पे बात हिमाचल प्रदेश की है तो येरा मैप में हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? शिमला है। देखो, इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल तो शिमला है और विंटर है धर्मशाला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। याद रखना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और अभी हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2020-21 का अभी बजट प्रस्तुत किया तो उसमें एक नई राहें नई मंजिलें नाम की योजना की भी घोषणा की थी, जिसमें क्या होगा, जो पिछड़े हुए स्थान है उनको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। राजकीय पशु है यहाँ का बर्फ का तेंदुआ, राजकीय पक्षी है ट्रेगोपेन, राजकीय पुष्प है रोडोडेंड्रॉन और वृक्ष है देवदार का। और कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। बढ़ते आगे। फिर है, इस साल छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह में। तो इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं तो आंसर क्या होगा आपका? 21 जून को मनाते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, अभी 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया गया था। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू उनका नाम है। लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? राधाकृष्ण माथुर है, ये नाम आप याद रख लेना। और मनाली और लेह को जोड़ने वाली एक सुरंग है जिसको कहते हैं रोहतांग सुरंग, उसका नाम बदल करके अभी अटल सुरंग कर दिया गया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी 1 से 7 मार्च तक उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। अच्छा, बात लद्दाख की है तो याद रखो लद्दाख से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम। भाई, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गिरीश चंद मुर्मू है। लद्दाख के भी याद रखो, राधाकृष्ण माथुर इनका नाम है। और मनाली और लेह को जोड़ने वाली जो सुरंग है उसको क्या कहते हैं? रोहतांग सुरंग। 8.8 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अभी इसका नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। इसके अलावा याद रखना, जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है उसने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा था। वैसे इस सूची में अभी तक कौन कौन से आपके राज्य हैं, जैसे कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अच्छा, जनजातीय मंत्री कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है हमारे? अर्जुन मुंडा है और अभी ये आर्चरी तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे, इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 100% क्रिकेट। तो अभी ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 100% क्रिकेट नाम से एक अभियान शुरू किया है, लॉन्च किया है। अच्छा, अभी आपको पता होगा, अभी जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीते भारत को हरा करके। उसी तरह से याद रखना,
2021 में जो आपका वुमेन वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में होगा, और 2022 में जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में। और अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, जिसे जीत लिया बांग्लादेश ने भारत को हरा करके। वहीं अगर बात करेंगे इसी साल मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप मेंस होगा वो भारत में होगा। वैसे भारत में 2023 का मेंस वर्ल्ड कप भी होगा, तो ये सारे पॉइंट भी याद रखने। ICC की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1909 में हुई, हेडक्वार्टर UAE दुबई में है, और इसके CEO कौन है, मनु सहनी है। और अभी ICC के CCO चीफ कमर्शियल ऑफिसर बनाया गया अनुराग दहिया को। और अभी ICC की महिला T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनी थी कौन, पूनम यादव। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो अभी नागरिक विमानन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की के साथ मिलकर तेलंगाना के हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें कई तरह के हवाई कर्तव्यों का आयोजन किया जाएगा, मतलब ये एक तरह की प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है। अच्छा, हमारे एविएशन मंत्री कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में आई अंक टाड की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण वैश्विक FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15%। अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया है कि कोरोना वायरस के कारण ग्लोबली फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व फ्लो में यानी कि FDI फ्लो में 15% गिरावट देखने को मिली है। साथ में उसमें ये भी बताया कि इस कोरोना वायरस से ग्लोबल इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन का नुकसान होगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, और इसने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यूरोपियन यूनियन को, और भारत को नुकसान होगा $348 मिलियन का। बाकी अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं मुखिसा कितुई। अच्छा, कोरोना वायरस से कुछ और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ लेकिन आज कुछ नए पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया है, महामारी यानी कि एपिडेमिक, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम और मास्टर कार्ड ने COVID-19 थेराप्यूटिक एक्सेलरेटर मतलब COVID-19 पे तेजी से चिकित्सा शोध करने के लिए एक नया फंड जारी किया है इस नाम से, और इसके बचाव और सावधानियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए कोवा पंजाब नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने साथ के साथ। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में हुए हीरो आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीत लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने। तो पश्चिम बंगाल का है ये फुटबॉल क्लब मोहन बागान फुटबॉल क्लब, और इसने आइजोल फुटबॉल क्लब को हरा करके दूसरी बार ये आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर बात करें ये आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ये कब से आयोजित किया जा रहा है, 2007 से। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था ICC की महिला T20 विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए पूनम यादव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ, तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पर आपको क्विज़, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।